बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और बीएससी मैथमेटिकल मेथड की जो बुक है उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 ग्रुप शुरू किया हुआ है। हम लोग ग्रुप अलजेब्रा के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, वो हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जो लेक्चर्स हो गए उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करवा दिए। आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर इसका 7 और 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई दफा आ चुके हैं। इसकी पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके प्रूफ को देखेंगे, ठीक है। सबसे जो मेन बात होती है इसकी स्टेटमेंट को समझना, ठीक है। इसको प्रूव करना बिल्कुल ही आसान है, तो आप लोग क्या किया करें कि इसकी स्टेटमेंट को गौर से समझा करें। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज इट्स ऑन इनवर्स, मतलब ये क्या क्या कहता है कि ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो अपने अपना क्या है, अपने आप का इनवर्स है। शो दैट जी इज अबिलियन, हम लोगों ने क्या करना है कि इसको अबिलियन प्रूफ करवाना है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन इसका या प्रूफ लिख दें आप लोग, यहाँ पे लिखते हैं इसका प्रूफ। हम लेट कर लेते हैं कि इसको अबिलियन प्रूफ करवाना है। तो अबिलियन प्रूफ कराने के लिए इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हमें दो एलिमेंट्स की जरूरत होती है। कितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है? दो एलिमेंट्स की जरूरत होती है। हम लेट कर लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं किसी ग्रुप जी में। अब वो इसकी कंडीशन के मुताबिक वो ये क्या है, अपने आप का इनवर्स है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज इट्स ऑन इनवर्स, मतलब ये अपने आप का इनवर्स है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये क्या कहता है कि अपने आप का इनवर्स है। तो ये दो एलिमेंट्स है, ये भी अपने आप का इनवर्स होगा, दूसरा भी अपने आप का इनवर्स होगा। तो ये इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या प्रूव करवाना है कि जी इज अबिलियन। वी हैव टू शो दैट जी इज अबिलियन। तो हम लोग ने क्या करना है, अबिलियन प्रूव करना है। आप लोग पता है कि अबिलियन के लिए क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, हम लोग ने ये वाली इक्वेशन लानी है, ठीक है, कमयुटेटिव ला वाली, क्योंकि इसको दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट बराबर होता है। अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 1, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये वाली कंडीशन हम लोग ने लानी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है किसको, जी को, तो बी ए भी क्या कर रहा होगा, बी बिलोंग्स कर रहा होगा जी को। अब देखना, ये ए अपने आप का इनवर्स है तो बी ए भी अपने आप का इनवर्स है। तो जब हम लोग इसको अबिलियन प्रूव करेंगे तो ये भी अपने आप का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ये देखें, ए भी बिलोंग्स कर रहा है जी को, जिस तरह ए बिलोंग्स कर रहा था जी को या बी बिलोंग्स कर रहा था जी को, ये अपने आप के इनवर्स थे, ये भी अपने आप के इनवर्स होंगे। मतलब ए बी इज इक्वल टू होगा ए बी का इनवर्स। अब ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी का इनवर्स ए का इनवर्स। तो इसकी राइट हैंड साइड में जब हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी, बी इनवर्स किसके बराबर है, यहाँ पे बी के बराबर है, और ए इनवर्स किसके बराबर है, यहाँ पे ए के बराबर है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये अबिलियन ग्रुप हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है। ये कंडीशन जब आ जाती है ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये इसको हम लोग कहते हैं कि ये अबिलियन ग्रुप प्रूव हो गया, ठीक है। तो सो जी इज अबिलियन ग्रुप, हम लोगों ने इसको देखा कि जब कोई भी एलिमेंट्स हो जी के अंदर और वो अपने आप के इनवर्स हों तो उस तरह का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। इसके बाद हम लोग इसके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं उसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे। वो कहते हैं कि प्रूव दैट इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर 2 देन जी इज अबिलियन। इसको हम लोगों ने अबिलियन प्रूव करना है। कहता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं जी के उनका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रूफ, आप लोगों को पता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के लिए, ऑर्डर ऑफ एन
एलिमेंट के लिए फार्मूला क्या होता था कि ए की पावर एन इज इक्वल टू किसके बराबर था, ई के बराबर था, ठीक है। अब हम लोग ने करना क्या है कि इसको अबिलियन प्रूव करवाना है, ठीक है। तो अबिलियन के लिए हम लेट कर लेते हैं कि जी बी आ ग्रुप, यहाँ पे जी ग्रुप है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बिलोंग्स कर रहे हैं, ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं जी के अंदर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ पे कहता है कि इसका ऑर्डर टू है, मतलब एन यहाँ पे कितना है, टू है, ठीक है। तो इस एलिमेंट्स का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। और बी का भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट किसके बराबर आता है, आइडेंटिटी के बराबर आता है। एस का स्क्वायर है तो उसको अगर ब्रेक कर देंगे तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं, इसी तरह बी डॉट बी इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं। इसको वन का नाम दे दें, इसको टू का नाम दे दें, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि इसका जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है, इसको हम लोगों ने अबिलियन प्रूव करवाना है, ठीक है। वी शो दैट वी हैव टू शो दैट जी इज अबिलियन, इसको हम लोगों ने क्या प्रूव करवाना है, अबिलियन प्रूव करवाना है, ठीक है। तो ये देखें, ए अबिलियन के लिए क्या होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब हम लोगों ने ये प्रूव करना है। तो अगर इसका ऑर्डर यहाँ पे टू है, अगर ए बी या बी ए बिलोंग्स कर रहा हो जी को, तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा, टू होगा, और ये किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा, ठीक है। ए बी है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी और ये ए बी इज इक्वल टू, ये ब्रेक कर दिया क्योंकि बेस एक जैसे हो तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे इसकी पावर टू है तो दो दफा इसको लिख लिया। अब बाय एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ से क्या करते हैं हम लोग कि इसके दरमियान वाले के एलिमेंट्स कंबाइन कर लेते हैं, पहला और आखिरी इसको बाहर छोड़ देते हैं, ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको जो पहला एलिमेंट्स है इसको हम लोग अगर ए से मल्टीप्लाई कर लें बॉथ साइड और बी के साथ मल्टीप्लाई कर लें बॉथ साइड, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, अगर हम लोग ए मल्टीप्लाई कर लें बॉथ साइड, ए मल्टीप्लाई बॉथ साइड, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए बी ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई ई। ये ए हम लोग ने मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड से। अब ए डॉट ए क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हो जाएगा बी ए, और यहाँ पे बी इज इक्वल टू ए को ई से मल्टीप्लाई करें, ई मल्टीप्लाईकेशन में किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट वन के बराबर होता है, तो ये ए के बराबर आ जाएगा। ए स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ पे इक्वेशन वन से, ये किसके बराबर है, यहाँ पे ई के बराबर है, तो बाय इक्वेशन वन से ए स्क्वायर ई के बराबर है, तो ये ई बी ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए के बराबर। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब वन को बी इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट आ जाएगा, बी ए बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बी मल्टीप्लाई करते हैं बॉथ साइड राइट कैंसिल, राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा बी ए बी, जब मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वेयर, और ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। बी स्क्वेयर किसके बराबर है, बी स्क्वेयर किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है, ये हम लोगों ने लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा बी ए, ये आइडेंटिटी, और यहाँ पे ए बी। आइडेंटिटी वन के बराबर होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट वन के बराबर होता है, वन को बी ए से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, बी ए, तो बी ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी, तो हम कहेंगे सो जी इज अबिलियन, ये क्या होगा, अबिलियन होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्या किया, प्रूव कर लिया।